Hi everyone, today we will discuss what is good straight barometer. So this concept or this was developed by WTO, World Trade Organization ने इसका development किया था, and so that to support the conventional trade statistics or forecast. ये एक ये कंपोजिट इंडिकेटर है जो हाईलाइट करता है कि क्या टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं इन द ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड, एंड ये प्रोवाइड भी कराता है फोरकास्ट कि लाइकली जो फ्यूचर में नियर फ्यूचर में वी कैन से कि जो ट्रेड मर्चेंडाइज का क्या ट्रेजेक्ट्री हो सकता है. और ये क्वार्टरली बेसिस पर रिलीज़ किया जाता है, और वैल्यूज़ अगर आपकी 100 से ज़्यादा है तो ये शो करता है कि अबाउट ट्रेंड ग्रोथ होगा, और वैल्यूज़ लेस देन 100 इट इंडिकेट्स बिलो ट्रेंड ग्रोथ. ओके, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एक ट्रेजेक्ट्री ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड को दिखाने के लिए काम आता है कि, और फोरकास्ट करने के लिए काम आता है कि जो नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है. ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसका इम्पैक्ट ट्रेड बैलेंस पे, इंडिया की ट्रेड बैलेंस पे क्या होगा. सो अगर ऐसा हो कि एक्सपोर्ट्स अगर फॉल हो रहे हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि विद लाइकली अगर आपका एक्सपोर्ट अर्निंग्स फॉल हो रहा है और इम्पोर्ट्स पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और देर इज़ नो डिक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल आइटम्स जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया तो एंड कैपिटल गुड्स, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो वाइडन हो सकता है. राइट, और अगर हम देखें कि हमारा जो प्रोजेक्शन है कंट्री की करंट अकाउंट ट्रेड डेफिसिट को लेकर इन द ईयर 2023, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 3% ऑफ GDP. ओके, एंड अगर हम स्लो डाउन के बारे में बात करें कि स्लो डाउन का मतलब क्या है इंडिया के लिए, तो वही है कि इंडिया जो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं है. हमारा जो 21.5% ऑफ इंडियन GDP है जो डिपेंड करता है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, अगर हम देखें पुअर परफॉर्मेंस अगर मेजर मार्केट डेस्टिनेशंस का कंपैरेटिवली टू द प्रीवियस ईयर्स लाइक विद US एंड चाइना, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं दे आर गोइंग टू सफ़र, बट वी विल सी वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर. थैंक यू सो मच.